तो भाई काफी देर से मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो दोनों मुझे ऐसा देख रहे हैं जैसे इनको पूरा सुन रहा होगा। अपने पास बाइक भी पड़ी है पर वो काफी पुरानी है जो मतलब काफी टूर नहीं कर सकती है। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और भाई मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो आज जैसे ही मैं बाहर निकला घर से भी तो मौसम काफी अच्छा हो रखा था, मैं क्या एक ब्लॉग बना लेते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। तो गाइज जो भी अभी ब्लॉग देख रहा है पहले तो वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी जो आज का व्यू है ना, मतलब काफी अच्छा व्यू हो रखा है पहाड़ों का। जैसे सुबेरे बारिश हुई तो काफी ठंडा मौसम है, अपने को पता है जो पहाड़ों में रहता है उनको पता है भाई गर्मी सहने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है। और जो आज का मौसम है ना भाई बिल्कुल ऐसा हो रखा, आप पीछे का व्यू देख सकते हो, काफी बारिश वाला मौसम हो रखा है और काफी ठंडा मौसम है। जो मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ वो भी काफी अच्छा है भाई। ये पहाड़ों का व्यू देख सकते हैं, काफी अच्छे वाला व्यू हो रखा है और काफी ठंडा मौसम है, जो पूरा बादल ही बादल है पहाड़ों के ऊपर, बारिश कभी भी आ सकती है, पूरा बारिश वाला मौसम हो रखा है। अभी शाम के 5 बजे है गाइज। और जो अपने घर के पीछे का व्यू है ना, पूरा मतलब जंगल ही जंगल है ऊपर की तरफ से देख सकते हैं आप। ये पूरा जंगल का व्यू है अपना, पूरा घर के पीछे की तरफ पूरा जंगल है और जो वो पहाड़ी है अपनी वो कसौली वाली है, वो सामने मॉन्की पॉइंट दिख पा रहा होगा आपको। लगा के नहीं किया है, ऑटोमेटिक हो रखी है, काफी है वहां सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है गांव में ये चीजें, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई काफी देर से मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो दोनों मुझे ऐसा देख रहे हैं जैसे इनको पूरा सुन रहा होगा, पूरा समझ आ रहा होगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों इस तरह से देख रहे हैं मुझे। तो चलो फिर आपको मैं ले चलता हूँ आप अपनी खेत की तरफ, अपनी खेत में जो की है मक्की लग चुकी है वो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फिर वीडियो में बने रहिए गाइज, वीडियो को जो अपने आपके नए फ्रेंड से उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर ले। चलिए फिर लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी खेत की तरफ। ये जो भाई अपनी खेत में पूरी खेत में मक्की लगा रखी है, ये पूरी खेत में अपने मक्की लगा रखी है और जो नीचे वाली खेत है उसमें भी मक्की लगा रखी है, ये पूरी खेत में मक्की है। बाकी लेके चलता हूँ फिर आपको अपनी नई और अगली खेत की तरफ जहाँ पे हमने टमाटर लगा के रखे हैं भाई। इस खेत में जो है हमने टमाटर लगा रखे हैं भाई, काफी दिनों पहले लगा दिए थे जो कि अब बड़े हो चुके हैं, ये अपना जुगाड़ कर रखा है। जो जानवर आते हैं वो अभी आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया घर की तरफ को सारे जंगली जंगल है तो जंगल से काफी जानवर आते हैं खेत की ओर, जो खेत में काफी नुकसान कर देते भाई, उनके लिए मतलब पूरा जुगाड़ करके रखा है, पूरी खेत को लॉक करके रखा है जो आप देख पा रहे हैं सामने। बाकी जो अपने ये टमाटर लग चुके हैं, अभी काफी बारिश हो रही है तो इनको बढ़िया ग्रोथ मिल रही है अभी गाइज। ये ऊपर की तरफ को है जो सारे अपने खेत है जो देख पा रहे हैं आप।
तो भाई मैं आपको बता दूं, जो अपना शौक था वो मोटो व्लॉगिंग का था, पर अभी पूरा नहीं हुआ है शौक, क्या कर सकता हूँ भाई, इतना बजट नहीं है कि बाइक ले पाऊँ। अभी सोच रहा हूँ कि बाइक लेनी है, कौन सी लेनी है, कमेंट करके आप भी बताएं कि कौन सी लूँ भाई, एडवेंचर के लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ आप बता देंगे तो उसी टाइप की बाइक लूंगा, मोटो व्लॉगिंग करूंगा। तो अभी बजट नहीं है भाई, तो शौक भी पूरा नहीं हुआ है, तो आप भाई को पूरा सपोर्ट करें भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। तो भाई बस इतना सा था वीडियो में कि शौक मोटो व्लॉगिंग का भी है और बाकी लाइफस्टाइल व्लॉग तो मैं बना ही रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अपने को भाई घूमने का काफी ज्यादा शौक है, नई नई जगहों पे जाना और एडवेंचर करना, साथ में ट्रैकिंग वगैरह करना और नई नई जगहों पे घूमना काफी ज्यादा शौक है अपने को, और साथ में राइडिंग का भी काफी ज्यादा शौक है। अपने पास बाइक भी पड़ी है पर वो काफी पुरानी है, जो मतलब काफी टूर नहीं कर सकती है, काफी पुरानी बाइक है, कम से कम 12-15 साल हो चुके हैं उस बाइक को, पर ऐसा है कि वो अभी लोकल चलती है, कभी लोकल चल पड़ती है टूर पे जाने के लिए, इतनी बेस्ट नहीं है भाई, उस पे मतलब काफी दिक्कत आ सकती है कहीं भी, इसलिए मैं उसको टूर पे नहीं लेके जा सकता हूँ। तो अब काफी प्लान बन रहा है भाई अपना बाइक लेने का, तो 3-4 महीने में शायद बाइक ले लूं मैं। तो आप बताएं मेरे को कमेंट में ज्यादा से ज्यादा कि कौन सी बाइक लूं। तो भाई जब अपनी न्यू बाइक आ जाएगी तो फुल एडवेंचर कराएंगे आपको, पूरे मोटो व्लॉगिंग के व्लॉग दिखाएंगे, पूरा एडवेंचर करवाएंगे। तो भाई तब तक के लिए जो नए फ्रेंड्स है, वो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। तो बस ये इतना सा था अपना व्लॉग, मिलते हैं अपने नए व्लॉग को लेकर, नई वीडियो को लेकर। भाई कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताएं भाई किस कंटेंट में वीडियो लेकर आऊं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइज़।